अंकित ऑफिस से घर आया तो उसकी माँ उसे भड़काते हुए कहने लगी, देख बेटा, बहू ने आज काम वाली बाई के बेटे को उसके जन्मदिन पर 500 रुपए का गिफ्ट दिया है। जरा पूछो महारानी से कि इतने रुपए उस गरीब पर लुटाने की क्या जरूरत है। अंकित भी पत्नी को गुस्से से आवाज देते हुए बोला, वसुधा यहाँ आओ। तो वसुधा आई तो अंकित गुस्सा करते हुए कहने लगा, अच्छा तो इसीलिए तुमने मुझसे परसों 500 रुपए मांगे थे। मैंने तुमसे कहा था ना कि आजकल महंगाई बढ़ती जा रही है, तुम जरा सोच समझ कर खर्च किया करो। वैसे भी तुम दिन भर घर पर बैठ कर करती क्या हो? रुपए तो तुम्हें कमाने हैं नहीं, बस खुले हाथों से खर्च करना है। किसने कहा था भाई के बेटे को गिफ्ट देने के लिए? यह बात वसुधा को तीर की भांति चुभ गई, क्योंकि शुरुआत में वह भी जॉब करती थी और जब वह माँ बनी तब उससे काम छोड़ देने के लिए कहा गया था। वह भी अपने बच्चे को समय देना चाहती थी, इसलिए उसने भी नौकरी छोड़ दी थी। वैसे भी वो कई महीनों से महसूस कर रही थी कि छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी उसे बार बार पति के सामने हाथ फैलाना पड़ता है और उसका पति उसे रुपए देने में आनाकानी करता रहता है। वसुधा बोल पड़ी, काम वाली बाई का बच्चा भी तो बच्चा ही है ना, उसे पेंटिंग करने का बहुत शौक है, तो उसके जन्मदिन पर मैंने उसे पेंटिंग से संबंधित थोड़े सामान गिफ्ट कर दिए, तो इसमें बुराई क्या है? 500 रुपए हमारे लिए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। मेरे बेटे के जन्मदिन पर बाई ने भी उसे लगभग 300-400 का ड्रेस गिफ्ट कर दिया था, तो क्या मैं उसके बच्चे को गिफ्ट नहीं दे सकती? और आप लोगों के कहने पर मैंने जॉब छोड़ दी थी, तो अब मैंने भी फैसला कर लिया है कि घर संभालने के लिए मैं अब 30,000 रुपए लूंगी। उसकी सास गुस्से में भड़कते हुए बोली, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना बहू, भला घर की औरतें अपना ही घर संभालने के लिए रुपए मांगती हैं क्या? तो बहू भी करारा जवाब देते हुए बोली, अमित के जन्म के समय आप लोगों ने मुझसे कहा था कि बहू तुम्हें नौकरी करने की क्या जरूरत है, मेरा बेटा तो इतना अच्छा खासा कमा ही लेता है। मैंने भी अपना फर्ज निभाने के लिए अपने सपनों को पीछे छोड़ दिया और एक साधारण सी हाउसवाइफ बन गई, लेकिन आज जब मुझे 500 रुपए के लिए इतना सुनाया जा रहा है तो फिर मैं भी हिसाब किताब बराबर करना जानती हूँ। मैं खाना जो बनाती हूँ, बच्चा संभालती हूँ, आप लोगों की देखभाल करती हूँ, घर के सारे काम करती हूँ। ये सारे काम करने के लिए आप बाहर से किसी को रखेंगे तो लगभग 40,000 तो आजकल के समय में लग ही जाएंगे। मैं तो फिर भी कम ही मांग रही हूँ। आप हर एक काम का हिसाब लगाकर देख लीजिए कि आपको कितने रुपए देने होंगे, और अगर मैं हर महीने इतने रुपए बचा रही हूँ तो क्या मैं अपनी मर्जी से 500 रुपए भी खर्च नहीं कर सकती? मुझे कोई बात चुभ गई है, तभी मैं आप लोगों को यह सब कह रही हूँ, वरना मैं तो हूँ ही मुफ्त की नौकरानी। इतना कहते हुए उसका गला भराया। अंकित को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने धीरे से पत्नी के पास आकर उसके कंधे को पकड़ते हुए कहा, सॉरी वसु, मुझे माफ कर दो, मुझे तुमसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आगे से मैं तुम्हारे खर्चे को लेकर रोक टोक नहीं लगाऊंगा। तुम भी समझदार हो और मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम कभी फिजूल खर्ची तो नहीं करोगी, क्योंकि पैसों का महत्व तुम्हें भी पता है। और हाँ, अब से तुम्हें मुझसे रुपए मांगने की या मुझे हिसाब देने की जरूरत भी नहीं है। हर महीने मैं तुम्हारे अकाउंट में कुछ रुपए डाल दूंगा। 30,000 तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, इतनी मेरी औकात नहीं है, लेकिन 10,000 रुपए मैं हर महीने तुम्हारे अकाउंट में डालूंगा, और वो रुपए तुम्हें बचाने हैं या कुछ भी शॉपिंग करनी है ये तुम्हारी मर्जी होगी। मैं उसका हिसाब नहीं लूंगा, अब तो ठीक है ना? अंकित की बात सुनकर उसकी माँ गुस्से में बोली, बेटा ये तू क्या कह रहा है? अंकित कहने लगा, माँ आपको भी हर महीने पेंशन मिलती है, आप भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं, तो मेरी पत्नी पढ़ी लिखी है और हमारे लिए ही अपने करियर को दांव पर लगाकर घर में बैठी हुई है, तो फिर हमारा भी उसके प्रति कुछ फर्ज बनता है ना। आज तक मैं कभी इसके बारे में सोच नहीं पाया, लेकिन इसकी बातें सुनकर आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, इसलिए मेरा फैसला नहीं बदलने वाला है। पति की बात सुनकर वसुधा ने भी राहत की सांस ली कि उसे भी अब थोड़े बहुत रुपयों के लिए किसी के आगे बार बार हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अंकित ने अपनी पत्नी को हर महीने रुपए देने का फैसला लेकर सही किया था या नहीं? अपने विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए लाइफ टेल्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।